अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। मंदिर निर्माण के लिए दानवीरों ने दिल खोलकर दान दिया है। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान में 3,400 करोड़ रुपए आया है। निधि समर्पण अभियान में लगी टोलियां 10, 20, 50, 100, 500 और 1,000 का कूपन लेकर घर घर पहुंची थी, जिसमें 11 करोड़ रसीदे कूपन अब तक कटे हैं। छोटे से छोटे तबके के लोगों ने राम मंदिर में सहयोग दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि निधि समर्पण अभियान के दरमियान 11 करोड़ लोगों ने 3400 करोड़ का दान दिया है। दानवीरों ने 10 रुपए के सबसे छोटे सहयोग से लेकर करोड़ों रुपए तक का दान दिया है। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से लगातार जारी है और मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने खूब दान किया है। निधि समर्पण अभियान चलाया गया मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक, जिसमें 3,400 करोड़ रुपए का दान आया है। तो छोटे से छोटे तबके के लोगों ने राम मंदिर में सहयोग दिया। मंदिर निर्माण में हर कोई भागीदारी बनना चाहता है और इसी को लेकर ये निधि समर्पण अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 3400 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ है और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनिल निषाद जुड़ गए हैं। अनिल, राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है और हर इंसान इस निर्माण कार्य का भागीदारी बनना चाहता है और इसी का नतीजा है कि 3400 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ है। जी ऋतु, आपको बता दें कि अब तक जो समर्पण निधि आ चुकी है 34 करोड़ की लगभग आ चुकी है, जो कि मकर संक्रांति से स्टार्ट होकर के रविदास जयंती तक चली थी, उसमें लगभग 3500 करोड़ की धनराशि आ चुकी थी और मंदिर भव्य रूप से तैयार हो रहा है इसी समर्पण निधि के आधार पर। जी ऋतु, जिस तरह से देखा गया है कि छोटे से छोटे तबके के लोगों ने मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया है, कूपन की व्यवस्था की गई थी, तो 10 रुपए से सबसे छोटे सहयोग से लेकर करोड़ों तक का दान इस मंदिर में किया गया। जी बिल्कुल, एक टोलियां बनाई गई थी जो गांव-गांव जाकर के, गांव शहरों शहरी क्षेत्रों में जाकर के 10 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक के कूपन से पैसे ले रहे थे। जिसकी जिसकी स्वेच्छा होती थी उतना वो दान देता था। जी ऋतु, अनिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे।